अपन स्टेटो डिफ्लेक्शन की ट्यूबिंग से टैबलेट लैपटॉप फोन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर एसेंशियल्स के बारे में, कौन सी चीज़ें आपको परचेस करनी है, कौन सी चीज़ें आपको परचेस नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्टफुल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जो आपका सिलेक्शन हुआ बीएमएस में। फर्स्ट थिंग इज एप्रॉन, जिसके लिए आपने 3-4 साल तक मेहनत की है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है वो एप्रॉन प्रोवाइड करते हैं विद द यूनिवर्सिटी लोगो ऑन इट, एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैं जो प्रोवाइड नहीं करते हैं। इफ़ योर कॉलेज इज़ प्रोवाइडिंग यू एप्रॉन, ये तो आपको कॉलेज जाकर ही पता चलेगा, तो एप्रॉन कॉलेज जाने के बाद ही लेना है। अगर कॉलेज ने एप्रॉन प्रोवाइड नहीं किया तो 200-300 के अराउंड एप्रॉन आ जाएगा। इफ़ यू आर अ हॉस्टल देन यू हैव टू बाई 2 or 3 एप्रॉन्स, बिकॉज हम से टाइम पर वॉश तो नहीं करने वाले। सेकेंड थिंग इज स्टेथो, फर्स्ट ईयर में आपका पेशेंट के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, इवन MBBS में भी नहीं होता है, तो आपको स्टेथो की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो जो अंडर 500 में आ रहा है आप उसे परचेस कर सकते हैं। थर्ड इज डिसेक्शन किट विथ मास्क एंड ग्लोव्स। एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स के लिए आपको ऑब्वियसली डिसेक्शन किट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 2 types ऑफ फोर्सेप्स, नीडल्स एंड थ्रेड्स और बाकी का सामान होगा। इसे आप ग्रुप्स में भी बाय कर सकते हैं या फिर किसी सीनियर्स से भी मांग कर ले सकते हैं। फोर्थ इज बोन सेट। आप कॉलेज के थ्रू जो बोन सेट आपको मिल रहा है उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। स्टिल यू वांट टू बाय, आप अपने सीनियर्स का बोन सेट ले सकते हैं सेकेंड हैंड, बिकॉज ऑनलाइन जो बोन सेट की प्राइस है वो अराउंड 8K to 10K है, उसे भी आप ले सकते हैं बट ग्रुप में। बट द थिंग इज कि वो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होता है, तो आपको उसको एग्जामिन करने में दिक्कत हो सकती है। फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप। जैसे ही कॉलेज में सिलेक्शन होता है हम अपने पेरेंट्स से इनकी मांग करने लग जाते हैं कि मुझे वो फ़ोन चाहिए, मुझे वो लैपटॉप चाहिए, बट फर्स्ट ईयर में वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें। फर्स्ट ईयर में बस आपको सेमिनार प्रेजेंट्स करने होते हैं जिसमें आपको PPT बनानी होती है, तो जो PPTs है वो आप अपने फ़ोन पर भी बना सकते हैं। एंड जिसे फ़ोन उतने अच्छे से चलाना नहीं आता है वो लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लैपटॉप बाय कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज बुक्स एंड सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स। तो बुक्स जो है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं आपको, एंड आपको कहीं पर से भी किसी के भी कहने पर कोई भी बुक्स नहीं लेने हैं। आपके सीनियर्स एंड टीचर्स जो आपको सजेस्ट करेंगे वही बुक्स लेने हैं। फर्स्ट ईयर में 5 subjects होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संहिता, संस्कृत, पदार्थ विज्ञान। BAMS मतलब संस्कृत आता है, संस्कृत की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पैनिक करने लग जाते हैं कि हमें संस्कृत आएगा कि नहीं, हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, 10th तक अगर आपका संस्कृत होगा तो मोस्ट आपको ईजी जाएगा, एंड 10th तक आपका संस्कृत नहीं भी होगा तो भी आप कर लेंगे, तो उतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज संस्कृत इज मोस्ट ईजी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। एंड बाकी की जो स्टेशनरी होती है, ऑब्वियसली पढ़ने जा रहे थे पेन पेंसिल आप तो रख ही लेंगे, उतना तो आपका आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। 2 like, share, subscribe to the channel. All the best for your journey.